हेलो, गुड आफ्टरनून कैंडिडेट. आई एम रोहित श्रीवास्तव एंड आज हम लोग स्टार्टअप करेंगे एफ कैट सीरीज का मैथमेटिक्स का लेक्चर वन. एंड वी विल स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम. सो दोज कैंडिडेट हु आर गोइंग टू गिव द पेपर फॉर एफ कैट 2021 दिस विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन अ 28 अगस्त. सो उनके लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, स्टार्टअप करेंगे. इसमें से हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में अभी जो है ये मंथ चल रहा है आई थिंक जुलाई. एंड इन जुलाई वी हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम द 11th of July. सो टिल द 28th of July वी विल ट्राई टू पैक दैट ऑल टॉपिक रिगार्डिंग विद दैट एफ कैट सिलेबस. ठीक है, तो आओ जरा से स्टार्टअप करते हैं. देखते हैं हमारे पास में मैथमेटिक्स में हमारे पास क्या क्या सेगमेंट है और एक बार सिलेबस पर बात करते हैं. ठीक, ओके. सो आई एम रोहित श्रीवास्तव एंड आई एम गिविंग द सेशन एट कैवलियर इंडिया. एंड यू कैंडिडेट जस्ट डू वॉट यू कैन जस्ट प्रैक्टिस एज मच एज वॉट आई एम सेइंग. दिस मच इज सफिशियंट टू क्रैक द पेपर फॉर दिस एफ कैट एंट्रेंस एग्जाम. सो जस्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मैथमेटिक्स सिलेबस एंड वी विल स्टार्ट टू और थ्री टॉपिक विद द नंबर सिस्टम. ओके, इन मैथ्स यू गाइज हु आर फॉर द एफ कैट, सो यू हैव अप्रॉक्सीमेट 11 टॉपिक. सो 11 आई एम सेइंग एंड मोर देन 2 + 3 टॉपिक, सो यू कैन जस्ट प्रिपेयर देम. सो मैथमेटिक्स अर्लियर, पहले तो मैथमेटिक्स इज कमिंग फॉर द 25 क्वेश्चन. नाउ वट इज दे आर डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द मैथमेटिक्स. सो ऐसा मान के रखो कि 18 क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन के आसपास द मैथमेटिक्स सेगमेंट यू यू विल फाइंड इन द एफ कैट पेपर. तो इंटू थ्री कर दे तो अप्रॉक्सीमेट 60 मार्क्स का जो कंटेंट है वो तुम्हारा मैथ्स का, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं बिकॉज 3 मार्क्स का 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है. सो उसके अकॉर्डिंगली वी कैन डी. ओके, सो टॉपिक में क्या क्या आना है वो देख लिया जाए एक बार. वन, वी हैव टू डील द नंबर सिस्टम. विद नंबर सिस्टम वी हैव टू डील सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन देन एलसीएम एससीएफ, देन उसके बाद में हमारे को देखना है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट. देन आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम. वर्क एंड टाइम के बाद में यू गाइज हैव टू सी द प्रॉफिट एंड लॉस, देन परसेंटेज, देन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम. एंड देन आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द रिमेनिंग टॉपिक लाइक रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन. लिटिल बिट वी हैव टू सी द पार्ट ऑफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, मीन्स वन इज कॉल्ड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया. ओके, सो एंड वन इज कॉल्ड एवरेज एंड रिमेनिंग लिटिल बिट पोर्सन ऑफ दैट एल्जेब्रा यू गाइज हैव टू सी दैट लीनियर इक्वेशन 1 और 2 वेरिएबल, क्योंकि इन्हीं लेसन से यू गाइज आर एबल टू मेक द इक्वेशंस, तभी तुम डील कर पाओगे इसको पेपर में. ठीक है, तो अब ये हटाते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं. तो टॉपिक में हमारे पास में नंबर वन नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम में तुम लोग मेरे से आज जो है 2 टॉपिक यू गाइज कैन सी. नंबर वन वी विल डील अबाउट द साइक्लिसिटी. दिस इज अ ब्रांड न्यू टॉपिक. दोज कैंडिडेट हु आर जस्ट रीडिंग इट फर्स्ट टाइम सो दे कैन सी इट विद सीरियस नोट सो दैट यू गाइज विल गेट इंटरेस्ट इन दिस. साइक्लिसिटी विल टेल यू दैट वाई वन नंबर अपीयर्स अगेन एंड अगेन व्हेन इट कंटेन्स पावर. सो क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन के लिए मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ. इफ वी हैव अ 3 to the power 3, इफ वी हैव अ 3 to the power 321, If we have 29548 to the power 481, अब इन तीनों केसेस में दिस विल बी सॉल्व एज अ 27. दिस आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व, दिस आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस फर्स्ट इक्वेशन, जो पहली वाली मैंने सॉल्व की, यू गाइज कैन सी यूनिट प्लेस पर वॉट डिजिट इज कमिंग. यूनिट प्लेस पर हमारे पास सॉल्व करके सुंदर सा 7 आ गया. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी, वेन यू गाइज हैव अ 3 to the power 3, यानी छोटी पावर होंगी, सो यू गाइज कैन ईजिली सॉल्व इट. बट इफ यू हैव अ लार्ज पावर
then you can't tell that what will come in place of unit digit. So this topic cyclicity humko ye batayega ki how we can find the unit place digit by using the cyclicity. Okay, so now I can tell you that little bit brief about this cyclicity. So that those question I will discuss you later, don't worry. So cyclicity mein first you can see, if I have a 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5. So we will solve it. It comes 2, it comes 4, it comes 8, it comes 16, it comes 32. So pata chala ki you guys can see Mr. 2 has returned back again. Hai na? Yani ki aisa hua ki if you will count it as a 1, 2, 3, 4. So you can say, sir, fourth time mein आपका मिस्टर टू वापस आ गया, मिस्टर टू कम्स अगेन. तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इट मींस आई कैन प्रिडिक्ट द साइक्लिसिटी ऑफ टू इज हाउ मच, फोर. अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि होता क्या है, देन आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द यूज. सो अकॉर्डिंग टू मी यू गाइस कैन लर्न, योर सर इज सेइंग साइक्लिसिटी, यू कैन नोट डाउन इन कॉपी ऑल्सो, cyclicity of all number means 0 se 9 tak ke, we have approximate 10 digit. So in those 10 digit, if I will ask what will be the cyclicity, so cyclicity of all number is equals to how much, it is 4. Pehle to ye learn kar lo. Then next, ab aate hain thoda iske uses par. So uses hum log blue color se dekh lete hain. So if they will provide you the question like that, 3 to the power 321. So what you guys will do, just break this power in multiple of 4. Matlab 4 se aise chupke se divide karna, that is 321. So 4 8 is 32. Or I think one remainder aa jayega. Huh? That one remainder. So this I can write 80 into 4 plus 1. Now what you guys have to do, jo cyclicity times hai. This one 80 into 4 cyclicity times hai. तो इसको क्या करना, इसको इग्नोर कर देना और रिमाइंडर इस पर पुट कर देना 3 टू द पावर 1. तो पता चला तुम्हारे सॉल्व करने से 3 वापस आ जाएगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस क्वेश्चन हैव अ यूनिट प्लेस पर वापस इसमें लौट कर क्या आएगा, मिस्टर 3 अगेन आ जाएगा, ये इसका आंसर रहेगा. ठीक, अब इसी चीज को थोड़ा सा और फिर से रिकॉल करते हैं. यानी तुम्हारे सर, यानी मैं बता रहा हूँ कि साइक्लिसिटी फॉर ऑल नंबर पहले तो ये याद कर लो तुम लोग की होती है 4. ठीक है, अब क्या करना कि दैट क्वेश्चन हैव अ पावर इनटू साइक्लिसिटी प्लस रिमाइंडर. तो दैट क्वेश्चन पावर समथिंग रिमाइंडर, इसको सॉल्व करके जो यूनिट प्लेस पर आए उसको तुम क्या कर देना, बता देना. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट मेथड. अब जरा इसी पर ही वी कैन डिस्कस सम मोर क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 सो क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाट वी कैन डू, that 3 4 7 9 8 1 7 to the power 4 8 2. Okay, so when we have a this power, so you can do 7 to the power 4 1 ja 4 2 ja 8 and 0 ja and plus 2 remainder. So it means we can put it 7 to the power 2. ये देखो जो cyclicity times था उसको मैंने छोड़ दिया है and remainder, power remainder I have taken. It comes how much, 49. So you guys just can say to me, sir, 9 is situated at unit place. So the moral of the story, meri taraf se yaad karo, tumhare sir ji bata rahe hain 9 will come at unit place in this question. Okay, ab iske alawa I can tell you some exception. So we can see those exception at left side. So exception mein pehli baat to ye hai ki any number have a power 0. So maths bolti hai ki 1 aa jayega. अब लेकिन कि व्हाट यू कैन डू, अगर नंबर की जगह पर लेट सपोज 2 है और 2 की पावर 4 रखे, तो ये तो सॉल्व करके 16 यानी 6 दे रहा है. तो 2 के मल्टीपल में वी कांट गेट एनी टाइम मिस्टर 0, 1 तो नहीं आएगा कभी 2 के मल्टीपल में. यानी व्हाट यू गाइस हैव टू लर्न, इधर रेड कलर से नोट कर रहा हूँ, इफ अ नंबर हैव अ पावर दैट कोशेंट इनटू दैट साइक्लिसिटी प्लस रिमाइंडर, और इसमें भी नंबर पर रिमाइंडर आ जाए 0, तो तुम लोग क्या करना, नंबर पर रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वापस साइक्लिसिटी का मिस्टर 4 प्रिंट कर देना, और प्रिंट करने के बाद सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके उस नंबर का जो यूनिट डिजिट आए उसको बता देना कि सर ये आएगा. ठीक है,
तो एक तो ये हो गया एक्सेप्शन नंबर वन। एक्सेप्शन नंबर टू, एक्सेप्शन क्या रूल है, तो नंबर टू पे आते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और नंबर टू देखते हैं। नंबर टू ये रहेगा कि लेट सपोज सम नंबर यू कैन लर्न, हाँ, दैट वन नंबर प्लेट 1056 यू कैन लर्न, मतलब वन हैव एनी पावर ओवर इट, वन के ऊपर कोई भी पावर हो तो वन चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो क्या लौट के आता है, वन वापस रिटर्न बैक, देन जीरो चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो क्या रिटर्न होके आता है, जीरो अगेन, फाइव को फाइव से चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करो व्हाट इट विल गिव यू, फाइव अगेन। सो यू गाइज लर्न इफ द नंबर 1056 इज प्रेजेंट एनी पावर इट हैव, ओके, सो आफ्टर सॉल्यूशन इट विल गिव यू द सेम डिजिट एट यूनिट प्लेस, सेम डिजिट एट यूनिट प्लेस, कॉपी पे नोट कर लेना। यानी इफ आई विल गिव यू द क्वेश्चन लाइक दिस, राइट साइड में देखना येल्लो कलर में, इफ आई विल गिव यू 21395 टू द पावर 81, तो कहना सर सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें 5 आएगा यूनिट प्लेस पर, ओके, फिर से 31290 की पावर 51, कहना अरे सर सॉल्व नहीं करेंगे, जीरो आएगा, बिकॉज यू गाइस यू हैव टोल्ड अस दैट एनी नंबर हैव एनी पावर 1056, तो ये लौट कर सेम वापस आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको यहीं पे रोकते हैं। अब मेरी तरफ से एक क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूँ, स्क्रीन को चेंज कर दूंगा, देन आफ्टर दैट यू गाइज डू इट एंड राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ कमेंट बॉक्स, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज 2451 टू द पावर 349 माइनस 8282 टू द पावर, वेट, नॉट 8282, सो 828 टू द पावर 256, ओके। सो आफ्टर डूइंग सॉल्यूशन व्हाट यू विल गेट एट यूनिट प्लेस, ठीक है। तो तुम लोग क्या करना, इसको मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। एक क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन नंबर टू मेरी तरफ से दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर तुम लोग देना, देन आफ्टर दैट आई विल रिवर्ट यू, हाँ। तो क्या रहेगा कि इफ दे विल राइट 21 into 89 into 56 into 44 into 56, दिस काइंड ऑफ, सो दे विल आस्क व्हाट कम व्हाट यूनिट डिजिट विल कम आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। अब देखो अगर मल्टीप्लीकेशन के बाद यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का थोड़ा सा आइडिया मैं जनरेट करा दे रहा हूँ। यू गाइज जस्ट मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट ओनली इन दिस क्वेश्चन, मीन्स 1 into 9, 9, 9 into 4, 36 का 6, 6 into 4, 24 का 4, 4, 6 are 24 का 4 again, तो पता चला कि तुम्हारा 4 वापस आ गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी मैं ये बता रहा हूँ कि इन दिस क्वेश्चन यू हैव अ यूनिट डिजिट एट 4, ठीक है, एज 4। अब थोड़ा सा जो है फिर से स्क्रीन पर वापस आते हैं, देन आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू डिस्कस सम मोर प्रॉब्लम, ओके। सो दिस इज कंप्लीट टॉपिक ऑफ, दिस इज कंप्लीट टॉपिक ऑफ साइक्लिसिटी नंबर वन। सो आफ्टर साइक्लिसिटी आई कैन टेल यू द समथिंग अबाउट द डिविजिबिलिटी एंड विच काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, सो approximate 4 or 5 question we will discuss from the divisibility related. So this one question from the cyclicity they were giving you in a paper, so you just prepare it, okay, how to deal those question. Now I am coming upon the next topic, that is called divisibility, okay. So we can come again on the screen, yes. So here number 2 is called divisibility. So in divisibility, you have to learn that in a 6th, 7th class, your teacher has told you how to divide the number. So bas wahi purana wala hum logon ko revise karna hai. Jaise ki, which number will be divisible by Mr. 2, Mr. 3, Mr. 4, Mr. 5, Mr. 6, Mr. 7, aisa kuch karke. To bas isi par thoda thoda baat karenge hum log aur isi ko hi clear karenge. Okay. 2 ke liye to the teacher has told in your school, if the last digit is even number. यानी अगर आखिरी डिजिट इवन नंबर होगा तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 3 के लिए मुझे याद आ रहा है तुम लोगों को बताया गया था सम ऑफ डिजिट, इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 द फुल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 4 के लिए बोला गया था लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है। 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 हो तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 के लिए जो नंबर 2 एंड 3 बोथ दोनों से डिविजिबल हो
डिविजिबल, उसे बोलेंगे कि वी कैन से इट इज डिविजिबल बाई मिस्टर सिक्स। इसके अलावा क्या कर सकते हो तुम लोग कि लास्ट के टू डिजिट भी चेक कर सकते हो, अगर लास्ट का टू डिजिट मिस्टर सिक्स से डिवाइड हो जाए तो यू गाइज कैन से सर इट इज डिविजिबल बाई मिस्टर सिक्स। सेवन के लिए, सेवन के लिए द गूगल हैज टोल्ड यू द डिफिकल्ट मेथड, आई कैन जस्ट एक्सप्लेन यू, देन आफ्टर दैट यू गाइज कैन डू वट एज आई से यू। सी 7 9 4 5 8 ओके 2 1 गूगल ने बोला कि क्या करो कि लास्ट नंबर को कट करो, ट्वाइस करो, माइनस करो, सो 7 9 4 5 6 आ जाएगा। फिर उसने कहा लास्ट का नंबर कट करो, ट्वाइस करो और सबट्रैक्ट करो, तो इसको कट किया, डबल किया, सबट्रैक्ट किया, तो कहने लगा ये करते करते जहां पर भी तुम्हारा मल्टीपल ऑफ 7 यानी 7's मल्टीपल लास्ट में जब बचेगा तो यू कैन से इट इज डिविजिबल बाई 7। तो इसका मतलब तुम्हारे सर व्हाट ही सेइंग, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि लास्ट डिजिट को क्या करना है, हम लोगों को ट्वाइस करना है और ट्वाइस करने के बाद सबट्रैक्ट करना है नंबर से, और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक लास्ट में 7's मल्टीपल ना आ जाए। तो इससे अच्छा व्हाट यू गाइस कैन डू, यू कैन डिवाइड इट बाय द 7 डायरेक्ट एंड यू कैन से सर इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। हाँ, मतलब इसके चक्कर में ये थोड़ी ना है कि तुम लोग ये भूल जाओगे कि डिवाइड कैसे होता है। ओके, नाउ आई एम कमिंग अपॉन द नंबर एट। हाँ, नंबर एट के लिए वही लास्ट के टू डिजिट अगर सर ये डिवाइडेड बाई हो जाए हमारे 8 तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 के लिए अगर सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 के लिए क्या है सर, अगर लास्ट में डिजिट में 0 हो तो पूरा नंबर 10 से डिवाइडेड एज्यूम किया जाएगा। 11 इंपॉर्टेंट है, 11 पे आ जाते हैं। 11 में क्या है कि अगर 3 4 2 1 9 5 8 ऐसे करके नंबर है, लेट सपोज, सो व्हाट यू गाइस हैव टू डू, यू हैव टू सी दैट व्हाट नंबर आर कमिंग एट अ ऑड प्लेस। तो ऑड प्लेस मतलब 1 2 3 4 5 6 7 यू कैन सी, सो हेयर सम आर कमिंग एट अ ऑड प्लेस एंड सम आर कमिंग एट अ इवन प्लेस। वो ब्लू वाले देखो इवन प्लेस पर आ रहे हैं, तो इवन प्लेस के नंबर को सम करो, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस और माइनस कर दो सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, डिजिट एट ऑड प्लेस। और उसके बाद में अगर दिस नंबर इज कम्स इन अ मल्टीपल ऑफ 11 या 0 आ जाए सो वी कैन से सर ये डिविजिबल बाई 11 है। दिखाता हूँ 3 2 5 5 9 14 14 8 22। अब इसमें माइनस किया 4 1 समझ लेते हैं इसको, 4 1 5 5 10 10 तो पता चला इसमें 10 गया तो 12 आया, तो नो इट इज नॉट डिविजिबल बाई मिस्टर 11। तो अभी क्या होना चाहिए पेपर में, विच काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क यू, पेपर में तो ऐसे पूछेंगे जानबूझ के यहाँ पर ऐसे x रख देंगे, कहेंगे x के प्लेस पर क्या होगा कि ये 11 से डिवाइड हो जाए। तो अब समझना जो मैंने लिखा था 4 5 9 यहाँ 9 प्लस एक्स आ जाएगा, 9 प्लस एक्स तो 22 में से 9 गया तो आई थिंक 13 और माइनस एक्स हो जाएगा। तो अगर x की जगह यू गाइज विल पुट 2 तो इट कम्स 11, तो ये कट नहीं जाएगा 11 से, तो सर लीस्ट वैल्यू ऑफ x विल बी 2, अगर x की जगह 2 पुट कर दे तो दिस नंबर विल बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया डिविजिबिलिटी के रूल। और इसमें अगर नंबर 12 के लिए कहेंगे तो जो 4 और 3 दोनों से कट जाए, 13 के लिए यू गाइज हैव टू लर्न द टेबल, टेबल से कट करना पड़ेगा, 14 के लिए यू गाइज हैव टू राइट डाउन दैट 2 और 7 दोनों से कट जाए, 15 के लिए यू गाइज हैव टू डू व्हाट जो 3 और 5 दोनों से कट जाए, 16 के लिए यू गाइज हैव टू डू व्हाट ईदर यू विल राइट डायरेक्ट तुम लोग 16 की टेबल पढ़ लेना या 4 से 2 टाइम कट जाए। तो इसी तरीके से नेक्स्ट सबसिक्वेंट डिविजिबिलिटी तुम लोग प्रिपेयर कर लेना। आओ जरा सब क्वेश्चन देखते हैं इस पर। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में रहेगा कि दे विल आस्क कि एक नंबर को 8 से डिवाइड किया और 2 रिमाइंडर आ गया, तो उसी नंबर को बोलेंगे कि 15 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। 15 की बजाय मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ नंबर को, होप सो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए 8 की बजाय 9 लिख देता हूँ, 9 से डिवाइड करना। तो अब क्या है अगर तुम इसको टिपिकल वे में करोगे तब तो बड़ा लेंदी चला जाएगा, जबकि केजी का स्टूडेंट बोलता है अरे सर 8 to 10 सर वो नंबर 10 है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, तभी तो 8 1 8 पढ़ रहे हैं सर और 10 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो 10 यहाँ ले लेना, 9 1 9 और सर 1 रिमाइंडर आ गया, तो इसमें सर 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है,
थोड़ा सा अगर इससे लेंदी नंबर हो जाए, जैसे 15 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, तो क्या है कि तुम लोग जस्ट नियरेस्ट टेबल पढ़ लेना, लाइक 8 टू जा 16 प्लस 2, यानी अब यहाँ पर 8 से डिवाइड होने के लिए 16 टू 18 ले लेना, यानी 8 का मैंने 1 जा की बजाय 2 जा पढ़ लिया और उसमें 2 रिमाइंडर जोड़ दिया। सो 8 टू जा 16 लिखा और यहाँ से 2 रिमाइंडर आ गया, तो 15 के आगे यहाँ पर 18 लिखा और 15 1 जा 15 पढ़ लिया, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर 3 है एंड दिस अपर वन क्वेश्चन आंसर इज 1। ओके, सो फॉर टुडे सेशन दिस मच इज ओवर। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट ट्राई टू शेयर यू द लिंक ऑफ द वर्कशीट ऑल्सो एंड यू गाइस कैन जस्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एट दिस व्हाट्सएप नंबर टू आर दैट 9, द कॉन्टेक्ट नंबर विल बी द 9838865518। This is Cavalier India Lucknow number that you can direct ask us by WhatsApp or you can just connect on this number 8960122244। Okay, so kya kar lena ki those who will contact us, huh? So I will try to send you the worksheet, send you worksheet regarding this FCAT 2021 paper 1, okay? तो एक तो हम लोग ये देख लेंगे, नंबर 1 हो गया, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट टू वॉचिंग मी एंड यू कैंडिडेट, जस्ट डू व्हाट यू कैन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर दिस कैवेलियर लखनऊ एंड माय रोहित श्री आल्सो यूट्यूब चैनल। सो यू कैन सब्सक्राइब इट एंड यू कैन जस्ट शेयर टू दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एफकैट एग्जामिनेशन। ओके, so this video is helpful for those who are just preparing for the elementary mathematics, okay? So remaining now candidate, what I can do, good luck and bye bye. And any of you candidate who have any inquiry about the FCAT examination, so he can just direct call to us at our given number what I have shared just earlier than this video. And the link related with the FCAT previous year question paper and FCAT related information you guys will get at our website also. And remaining thing is what, any kind of concern regarding with the marks and score, you can direct discuss to me at that WhatsApp number what I have provided. Okay, so all the best, good luck to you guys, goodbye.